एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, हर एक गलत जवाब के लिए यू विल हैव टू गिव माइनस वन मार्क्स फ्रॉम योर बे. अपने गोदाम में जो मार्क्स भर रहे होगे उसमें से एक मार्क्स आपको हर गलत जवाब के लिए निकाल के दे देना होगा. सो टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स जो है ये हमारे हर एक प्रैक्टिस सेशन का वो 120 मार्क्स का होगा, ठीक है ना. 30 सवाल होंगे, 120 मार्क्स. कम से कम टारगेट रखना है कि 90 प्लस मेरा स्कोर हो. 90 प्लस ये एक पार स्कोर माना जाएगा, है ना. सही प्रिपरेशन के लिए पार स्कोर 90 प्लस माना जाएगा. चलिए पहला सवाल स्क्रीन पे आ रहा है. एंड पारुल रुजावत, सर्वेश्वर मुदुली, गुड इवनिंग. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस मदर ऑफ पर्ल. निम्नलिखित में से कौन सा मदर ऑफ पर्ल को परिभाषित करता है? एन ऑयस्टर विच यील्ड्स द पर्ल, एक सीप जो मोती पैदा करता है, अ स्पेशल लार्ज साइज पर्ल फाउंड इन जापान, जापान में पाया जाने वाला एक विशेष बड़े आकार का मोती, अ हार्ड इरिडेसेंट सब्सटेंस फॉर्मिंग द इनर लेयर ऑफ सर्टन शेल्स, एक कठोर इंद्रधनुषी पदार्थ जो कुछ गोले की भीतरी परत का निर्माण करता है, या फिर फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टन स्पीशीज ऑफ शेल्ड मॉलस्क. यहां मॉलस्क में के नहीं सी होगा, ठीक है. तो शेल्ड मॉलस्क की कुछ प्रजातियों की महिला व्यक्ति, बताइए क्या होगा सही जवाब. व्हाट डिफाइंस मदर ऑफ पर्ल, क्वेश्चन नंबर वन. सो आराधना केम अप विद द फर्स्ट आंसर. एस एस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सी कहना है. एंड यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. इट इज अ हार्ड इरिडेसेंट सब्सटेंस फॉर्मिंग द इनर लेयर ऑफ सर्टन सेल्स. जो मदर ऑफ पर्ल है वो एक अंदर एक हार्ड इरिडेसेंट लेयर होता है. इरिडेसेंट मतलब कठोर इंद्रधनुषी पदार्थ जो कुछ गोले के भीतरी परत का निर्माण करता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. जंतु कोशिकाओं में क्या मौजूद नहीं होता? इज इट सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं. इज इट माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल. इज इट राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन संश्लेषण कराता है, या फिर कोशिका द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. वॉट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? कम अप विथ योर आंसर्स गाइज एंड शेयर द सेशन एज वेल, सो दैट मच more students and can come and join this stream. 15 seconds se zyada samay nahi lena hai na. We'll be fast. Dheere dheere main samay ke sath apni tezi bhi badhaunga. Batayega, what should be the correct answer? Tanushree Sao, she is saying D, cytoplasm, but the correct answer is option number A, cell wall. जंतु कोशिती मौजूद नहीं होती. अब आप सोचो कि first antibiotic was discovered by Alexander Fleming and it was obtained from the bark of cinchona tree. cinchona वृक्ष के छाल से पहला जीवाणुओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीबायोटिक बना, पेनिसिलिन. अब सवाल ये था कि इसमें ऐसा क्या था जो जीवाणुओं के बढ़ोतरी को रोक देता था. समझिएगा बात को समझिएगा. इज इट बफरिंग? ओके, आई गेस इट इज फाइन नाउ. तो समझिएगा, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं, और बैक्टीरिया का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना है. तो इट डज नॉट कंटेन एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब है कि अंदर अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के साथ संलयत नहीं रहते, मतलब दे आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली. डीएनए और जेनेटिक मटीरियल इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियस. तो इनकी जो मेन खासियत होती है, इनकी बाहरी परत होती है, जिसे हम इनका सेल वॉल कहते हैं. अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनके इस कोशिका भित्ति को तोड़ दे, या आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो गला दे, जिसके वजह से जैसे ही वो अंदर जाता है तो उस जीवाणु को मार देता है. दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स आर सो मच कारगर
विथ रेस्पेक्ट टू बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर ये साबित क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके कोशिका भित्ति को गला देते हैं, तो बैक्टीरिया को गला देते, बैक्टीरिया को मार देते, तो वो प्रजनन नहीं कर पाते, वो रेप्लीकेट नहीं कर पाते, वो अपना गुणनफल नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग। सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल जो है वो तीन लेयर का बना होता है, इसे हिंदी में हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके तीन परत होते हैं और तीनों परत का जो नाम है उसे हम कहते हैं प्राइमरी लेयर। सबसे पहला होता है प्राइमरी लेयर, या इसे आप प्राइमरी वॉल भी कह सकते हो, और बाहर की तरफ होता है सेकेंडरी लेयर, बाहर की तरफ होता है सेकेंडरी लेयर या सेकेंडरी वॉल, और अंदर की तरफ होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ ये लेयर होता है, इसे हम मध्य पटलिका भी कहते हैं, मध्य पटलिका भी कहते हैं। तो ये तीन लेयर से मिलकर बना होता है सेल वॉल, और ये जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। अदरवाइज साइटोप्लाज्म एनिमल्स में होता है, कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकात्व होंगे, वो अपना कार्य कर कैसे पाएंगे? राइबोसोम्स नहीं होंगे तो प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा? चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम होना मैंडेटरी है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, सेल वॉल नहीं होती। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन? मनुष्य शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है? ग्लाइकोजन को मैं बता दूं, ग्लाइकोजन इज नथिंग बट स्टोर्ड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज नथिंग बट स्टोर्ड ग्लूकोज, संग्रहित ग्लूकोज को ही हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और अगर मैं बताऊं तो ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदलती है वो किसके माध्यम से बदलती है? तो एक डायबिटोजेनिक हार्मोन के मदद से बनती है, और ये कहां से स्रावित होती है? तो हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज अपने अंतःस्रावी भाग, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उसके बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन इंसुलिन का स्रावण करती है, जिस इंसुलिन की मदद से हमारे शरीर में अगर शर्करा की मात्रा अधिक होगी तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। शर्करा इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट ग्लूकोज, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज बीन कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी। किस लोकेशंस पे? तो जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये जो डोले शोले होते हैं ना इंसानों के, ये डोले शोले सारे कब खत्म हो जाते हैं? जब बुढ़ापा आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मसल्स वीकन हो जाएंगे, मांसपेशियां गलने लगेंगी, तो ये एक ही अवसर में होता है, तब जब या तो आप खूनखार या जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो, या फिर आपको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा हो। तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं, मेओइस्ट होते हैं, या फिर आतंकवादी होते हैं, उनको जब थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है तो कहां मारा जाता है? उनके सर पे नहीं, उनके थोरासिक केज पे नहीं, उनके हाथ और पैर के पिछले वाले हिस्से पे मारा जाता है, जहां मांसपेशी ज्यादा है, क्योंकि वहां स्टोर्ड होता है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अत्यधिक ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कहां स्टोर होती है, तो आपका जवाब होगा मसल सेल्स, मांसपेशी की कोशिकाओं में। और दूसरा सबसे अहम हिस्सा क्या है हमारे शरीर का? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दैट इज लिवर। इसीलिए कहते हैं कि अगले का गुर्दा खराब है, मतलब अब तो जिएगा नहीं। गुर्दा इज वेरी, ये गुर्दा कह रहा हूं, कलेजी यानी यकृत, यकृत इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, विटामिन ए का फॉर्मेशन, या फिर हेपरिन का निर्माण, देयर आर प्लेंटी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिवर जो वो दिन रात करता है। तो इसमें सही जवाब आपको क्या दिख रहा है? आंत, पैनक्रियास, स्किन या लिवर? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना, स्टोर्ड ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? मांसपेशी की कोशिकाओं में, मसल सेल्स में और लिवर में। Am I clear to the question? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, इन मैमेलियन एम्ब्रायो यानी स्तनधारी के भ्रूण में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट सर्व्स एज एन एक्सचेंज बिटवीन एम्ब्रायो एंड एनवायरमेंट? कहता है कि स्तनधारी के भ्रूण के बारे में अगर बात किया जाए, तो आप ये बताएं कि उस भ्रूण का जो बाहरी परत होता है वो बाहरी वातावरण से जुड़ा होता है, जिसके मदद से वो बाहरी वातावरण से जो भी उसे ग्राब करना होता है, अवशोषण करना होता है, वो कर पाता है। आपको ये बताना है कि वो परत क्या है। इज इट एमनियन, इज इट एलेंटॉयस, इज इट कोरियन, या फिर वो योक सैक है? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी और डी? सैमसंग गुड इवनिंग, पारुल रजावत, रूपल गर्ग, ओके, आई होप अभी बफरिंग नहीं कर रहा होगा, इज इट फाइन नाउ? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मेरे सामने भी चल रही है तो आई थिंक कि अभी सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव योर आंसर्स गाइस फर्स्ट, और अगले घंटे फिजिक्स के लिए रेडी रहना है। थोड़ा स्पीड बढ़ाई है ना, 30 सवाल कर लेने हैं हमें 45 तक, है ना?
8:45 तक हमें 30 सवाल जल्दी से कर लेने हैं। फोर का डी बताया जा रहा है योक सैक एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोरियन। ठीक है ना, सबसे बाहर वाला जो लेयर है जो एम्ब्रायो को वातावरण से जोड़ता है और एक्सचेंज कराने में मदद करता है, तो एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होता है कोरियन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, लीस्ट जनरेटिव पावर इज अ फीचर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहता है कम से कम जेनेरिक पावर मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी विशेषता है? क्या वह मस्तिष्क की विशेषता है, अस्थियों की विशेषता है, त्वचा की विशेषता है, या फिर यकृत की विशेषता है? ए बी सी और डी। लीस्ट जनरेटिव पावर मतलब अपने आप को दोबारा से जनरेट कर लेने वाली शक्ति सबसे कम किस में है? देखो, हड्डियां टूटती हैं तो जुड़ती हैं। रीजन क्या है कि हड्डियों की जो इकाई है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोसाइट जब टूटती है, हड्डियां जब टूटती हैं तो वहां से निकलता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टडी ऑफ बोन इज आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। That is the reason why study of bone is called osteocyte. Skin अगर छिल जाती है, घिस जाती है, कट जाती है, फट जाती है, उसके बावजूद ड्रेसिंग के बाद, कुछ महीने बाद, उपरांत आफ्टर रिपेयर एंड हीलिंग, वो वापस से ट्रीट हो जाता है, मतलब उसमें भी रीजनरेशन देखा गया। वहीं यकृत की बात करें तो यकृत अगर समझ लो कभी बहुत ज्यादा आपने दारू वारू पिया, बहुत ज्यादा नशे वशे करे, अल्कोहल इज द फर्स्ट थिंग जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन को करता है। हमारे बॉडी में जब भी जहर फैलेगा तो सबसे पहले लिवर आके खड़ा होता है कि अच्छा ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं संभालता हूं। तो बहुत ज्यादा उस जहर को पचाते पचाते एक समय ऐसा आएगा कि वो खराब हो जाता है, या फिर कोई डिसऑर्डर आ जाती है, फिर आप दवाइयां लेते हो, दवाई लेने के बाद फाइनली वो ठीक होने लगता है। दैट मीन्स लिवर ऑल्सो रीजनरेट। लेकिन एक बार पगला गए ना, अब आप कहोगे कि सर पागल होना इज इट अ डिजीज, क्या सारे लोग हमें रास्ते पे जो मिलते हैं वो पागल हैं? नहीं, मेंटल डिसऑर्डर्स आर डिफरेंट एंड पागल इज डिफरेंट। यार एक बात बताओ, अगर वो खा सकता है, चल सकता है, कपड़ा पहनना समझ सकता है, या अगर कपड़े पहनने समझ नहीं आ रहा है, अगर उसको खाना समझ में आ रहा है, दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ द वेव्स इज बिंग डिस्टॉर्टेड। इट इज नॉट दैट एवरी पार्ट ऑफ द वेव्स इज बिंग डिस्टॉर्टेड। ब्रेन में हमारे बहुत सारे रेज चलते हैं, वेव्स चलते हैं, उनके अंदर कोई डिस्टॉर्टमेंट आए तो इट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स। बट पागल होना मतलब यू हैव लॉस्ट योर विजडम। किसके साथ अच्छा करना है बुरा करना है उसे पागल कहते हैं। आप हम जैसे लोग पागल होते हैं, वो नहीं जो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास कंप्लेक्सिटी है हर बात को समझने की, हर बात को पहचानने की, उसके बाद कोई बम पटक दे रहा है, कोई जाके गाड़ी ठोक दे रहा है, कोई मतलब किसी के घर में लूटपाट मचा रहा है, इसका मतलब यू हैव लॉस्ट योर विजडम एंड देन यू आर अ मेंटल पेशेंट। अंडरस्टैंडिंग, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन डज नॉट हैव रीजनरेटिव कैपेसिटी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड चलाएंगे, एक मिनट में एक। लीस्ट जनरेटिव तो हो गया। रिंडरपेस्ट डिजीज विच वॉज रिसेंटली एलिमिनेटेड वॉज कॉज्ड बाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है वो अभी हर जगह से एलिमिनेट किया गया, वो इनमें से किसके द्वारा फैलाई गई बीमारी है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंगी यानी कवक, या नीमाटोड यानी इंसेक्ट? बताइए ए बी सी या टी। निमाथल मेंथस, नीमाटोड यानी वर्म, इंसेक्ट नहीं वर्म, नीमाटोड्स मतलब वर्म्स। बताइए ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 6, एंड योर टाइम एंड्स, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रिंडरपेस्ट डिजीज इज अ वायरल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसको कहा जाता है? विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को, या फिर विटामिन बी को? बताइए। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन है, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन एच, ये सारे विटामिन हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सारे विटामिन भी हैं, लेकिन कुछ इसमें वसा घुलनशील है और कुछ इसमें जल घुलनशील है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा विटामिन है जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। ए बी सी या डी। रूपलगर केम विद द आंसर कि सर ई होगा, विटामिन ई होगा, और सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, एंड विटामिन बी आर कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जिसके कई सारे
नाम होते हैं, चाहे विटामिन 12 हुआ तो साइनोकोबालमिन हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर्स इज मैक्सिमम इन हनी, शहद में इनमें से कौन सी शर्करा ज्यादा मात्रा में मौजूद है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, जल्दी बताइएगा क्या होगा सही जवाब, ए बी सी आर डी, रैपिड फायर है, थोड़ा सा तेज करना है, ए बी सी आर डी, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर्स इज मैक्सिमम इन हनी, शहद में कौन सी शर्करा ज्यादा मात्रा में मौजूद है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या फिर माल्टोज, एंड द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज, यानी कि फ्रूट शुगर, फलों में पाया जाने वाला जो रस है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें, शहद में। ऐसा क्यों, जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों से पराग कण को सक करके यानी चूस के आके अपने बीहाइव में बाकी एंजाइम्स के साथ मिला के स्टोर करती हैं और उसी को आप ऑब्टेन करते हो एंड देन वाया इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारे घर तक या दुकानों तक पहुंचती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बी ग्रुप विटामिन्स, विटामिन बी ग्रुप मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की बात कर रहा है, इसके लिए सही क्या है, कहता है मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक एसिड, ज्यादातर इनमें कार्बनिक अम्ल है, मोस्ट ऑफ देम आर वाटर सोल्यूबल, ज्यादातर ये जल घुलनशील है, मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ज्यादातर ये हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, या चौथा ऑल आर करेक्ट, ये सारे जवाब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, ए बी सी डी। प्रीति सिंह ठाकुर सर नोटिफिकेशन नहीं आई बेटा, टीचर्स अड्डा में नोटिफिकेशन कैसे नहीं आएगा, एक बार आप सब्सक्राइब बटन दबा लो, वो घंटी है ना बगल में उसे एक बार बजा लो और मेरे टाइमिंग को एक बार गौर से देख लो और अलार्म लगा लो, सुबह 8 बजे 8 AM इन द मॉर्निंग SSC अड्डा पे मिलूंगा मैं विथ 30 MCQs ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद दिन में 11 बजे मैं मिलूंगा टीचर्स अड्डा पे, मैं मिलूंगा टीचर्स अड्डा पे विथ बायोलॉजी, विथ बायोलॉजी, और रात के 9 बजे मैं मिलूंगा एसएससी अड्डा पे विथ 30 questions ऑन फिजिक्स। तो पूरा जनरल साइंस जो है आपका कवर हो जाएगा वन डे एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो कोई भी TET हो, CTET हो, HTET हो, आपकी हरियाणा TET हो, या फिर आपकी TGT की हो, PGT की हो बायोलॉजी, या फिर आप CGL की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा सही जवाब, एंड द करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ देम आर वाटर सोल्यूबल, ज्यादातर क्या होते हैं ये जल घुलनशील होते हैं, सारे ऑर्गेनिक अम्ल तो होते नहीं, और ये गलत था इसलिए ये भी गलत हो गया, All are correct, ये भी गलत हो गया, मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, सारे सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये हमें बाहर से ऑप्टेन करना पड़ता है, तभी तो हर विटामिन के हम सोर्सेज भी लर्न करते हैं, जैसे कहीं नट्स हैं, कहीं हनी है, कहीं कॉड लिवर ऑयल है, कहीं अंडे हैं, कहीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो कहीं नट्स हैं, कहीं सीड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, Which among the following is a common end product of anaerobic respiration? अवायवीय श्वसन का जो अंतः प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो क्या है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब अवायवीय श्वसन होती है, मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे सहज भाषा में कहूं तो अवायवीय श्वसन किण्वन का दूसरा रूप है, सड़न का, फर्मेंटेशन का दूसरा रूप है। अगर समझ लो घर में कभी मिठाई खरीद के ले आए, समझ लो घर में फ्रिज नहीं है, तो उस पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, ठंडे जगह पे उसे रखते थे और मिठाई के डब्बे को खोल के रख दिया करते थे, तब क्या होता, कम से कम शाम तक या अगले दिन तक वो ठीक रहता, लेकिन अगर गर्मी का दिन हो आप उसे ढक के रख दोगे तो शाम तक वो खराब हो जाएगी ड्यू टू द हीट इनसाइड इट, क्यों, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसलिए बड़े हमेशा सलाह देते हैं कि भाई उसे खोल के रख दो, ऑक्सीजन आता रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का लॉस नहीं होगा, ऑक्सीजन हटेगा देयर विल बी अ लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इफ देयर विल बी अ लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और आखिर में जो अम्ल तैयार होगा वो लैक्टिक एसिड यानी खट्टा अम्ल एक तैयार होता है। तो अवायवीय जो श्वसन है वो हमेशा लैक्टिक एसिड को एज इट्स एंड प्रोडक्ट तैयार करती है। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, द स्टोमाटा इन द एक्वाटिक प्लांट्स इज नॉट फाउंड, स्टोमाटा किसे कहते हैं, रंध्र को कहते हैं, स्टोमाटा किसे कहते हैं, रंध्र को कहते हैं, स्टोमाटा इन एक्वाटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधों के
जलीय पौधों के जो रंध्र होते हैं वो पाए नहीं जाते, दे आर फाउंड एंड अवेलेबल ऑन बोथ द सर्फेसिस, मतलब पानी के ऊपर वाले और पानी के अंदर वाले, फाउंड एंड अवेलेबल ऑन अपर सर्फेस, पाया जाता है और सिर्फ ऊपर वाले सतह पे पाया जाता है, फाउंड एंड अवेलेबल ओनली ऑन लोअर सर्फेस, पाया जाता है लेकिन नीचे वाले सतह पे पाया जाता है। आपको पता है ये वही स्टोमेटा की बात हो रही है जिसके छिद्रों से ट्रांसपिरेशन होता है ना, जो भी एक्सेसिव वाटर वेपर होता है वो अपने इसी रंध्र से वो बाहर निकाल देती है। कौन? प्लांट्स वाया लीफ। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी? बताइए बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा अंजील क्वेरी एंड आराधना एचआर इज सेइंग, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अंजील क्वेरी ने सी कहा है, प्रीति सिंह ठाकुर ने भी सी कहा है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, इट इज फाउंड एंड इट इज फाउंड ऑन द अपर सरफेस। जो जलीय पौधे होंगे जब वो वाटर सरफेस पे हैं, थोड़ा सा तो समझना चाहिए ना कि जब वाटर को ही वो निकाल रहा है, जब मैंने कहा कि रंध्र से यानी स्टोमेटा से वाटर वेपर को वो निकालता है, वाटर को वाटर वेपर के रूप में निकालता है, तो जब जलीय पौधे होंगे तो उनके पत्ते पानी पे ऐसे फ्लोट कर रहे होंगे, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो तो जल के साथ अटैच है ना, तो उसमें से वो कहां से वाटर वेपर निकालेगा, जो टेम्परेचर भी वैसा, लेकिन जब सनलाइट इसको मिल रहा होगा तो इन्हीं फेस से निकाल पाता होगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एम आई अंडरस्टैंडेबल? अगला, सेल्स बिकम लॉस्ड इन द जॉइंट्स, इट्स जो कि जनरली बूढ़े लोगों में जोड़ों की सूजन हो जाने की वजह से होता है, और जोड़ों में सूजन तब होता है जब यूरिक अम्ल एकत्रित हो जाती है, यूरिक अम्ल एकत्रित हो जा रही है। कहता है कि ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक मसल डिसऑर्डर है, या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यह एक विषाणु का संक्रमण है, यह एक उपापाचय विकार है, यह एक मांसपेशियों का विकार है, या फिर यह एक जीवाणु का संक्रमण है, ए बी सी या डी बताइएगा। No data, what is the matter is the... Just a second guys. Am I audible? It's buffering, right? अभी ठीक है, अभी सही है, बताना एक बार। ओके, अभी थोड़ा सही है, बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर भाई, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का? सही जवाब इज ऑप्शन नंबर बी। प्रीति सिंह ठाकुर, अंजील क्वेरी, यू गेव द करेक्ट आंसर। भैया वायरल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जब गठिया किसी बंदे को हो रहा है, जब पैर में सूजन आ रही है, तो वो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से हो रहा है, खाने पीने में थोड़ी कोताही, कुछ भी उल्टा सीधा खाना, एक्सरसाइज का ना करना, शरीर में आलस होना, दैट कैन लीड टू यूरिक एसिड फॉर्मेशन इन योर लोअर हील्स एज वेल एज इन जॉइंट्स, और बुढ़ापे में और ज्यादा परेशान कर सकता है। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ना कि मांसपेशी जीवाणु या विषाणु का। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, शुगर अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ किसका? कहता है शर्करा, अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड, ये किसके कण हैं? पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। देखो जो शुगर है, शुगर जो है वो तो भाई जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे वो टूटेंगे तो सैकेराइड बनेंगे, और सैकेराइड ही शुगर है,
तो पॉलीसैकराइड्स तो चलो सही दिख रहा है, अमाइनो एसिड प्रोटीन से टूटते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से टूटते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड से टूटते हैं, नाभिकीय अम्ल से टूटते हैं। तो इस हिसाब से सही जवाब आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर ए। वैभव, आई एम स्टेइंग एट होम एंड टीचिंग फ्रॉम होम, यू स्टे एट होम एंड जस्ट शेयर द सेशन, लाइक द सेशन एंड फॉलो द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, पॉलीसैकेराइड्स ब्रोकन डाउन इंटू शुगर, प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन इंटू अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, यानी नाभिकीय अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर बेस में और डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एरोमैटिक ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ अ ट्री। कहता है इनमें से कौन पेड़ के सुगंधित सूखे फूलों की कलियां हैं, फूलों की कलियों के बारे में पूछ रहा है ना। आपसे चार ऑप्शन दिया है, एक पूछ रहा है ब्लैक पेपर, गोल मिर्च, तो आपको गोल मिर्च किसी फूल की कली दिख रही है क्या? आपको क्लोव यानी लौंग किसी फूल की कली दिख रही है क्या? क्यूमिन जीरा किसी फूल की कली दिख रही है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? तो लौंग जो होता है, जो क्लोव्स होती हैं, वो पेड़ के कली होते हैं, दे आर बर्ड्स, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आसान से सवाल है, जल्दी जल्दी जवाब मिलना चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये क्या है? अंतःस्रावी भाग है, इट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, इट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो कहता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस किससे जुड़ा हुआ है? कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या नन ऑफ द अबव? कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या नन ऑफ द अबव? ए बी सी या डी? भाई एक बार बच्चों को जोड़ते चलेंगे, है ना, और ध्यान रखिएगा, टाइमिंग ध्यान रखिएगा, कल ये क्लास 11 बजे होने वाली है दिन में, ठीक है ना, रोजाना की टाइमिंग 11 बजे सुबह की ही है। ए बी सी और डी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन से भाई डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है और यही हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी था, कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि यानी अवटु ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारे कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बोन्स में बनाए रखते हैं, और थायरोक्सिन जो है वो हमारे थायराइड हॉर्मोन यानी आयोडिन के बैलेंस को बनाए रखता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का मेटाबोलिज्म यानी उपापचय। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि गोभी का खाने वाला हिस्सा कौन सा है? कॉलीफ्लावर नहीं, कैबेज के बारे में पूछ रहा है, बंद गोभी के बारे में पूछ रहा है। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम खाते हैं आप, बड यानी उसकी कली खाते हैं आप, फ्रूट यानी फल खाते हैं आप, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं खाते हैं आप? पत्ता गोभी तो खाते ही होंगे आप, तो बंद गोभी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा खाते हो आप। व्हिच इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी और डी? द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनफ्लोरेसेंस, बड, फ्रूट या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, क्या होना चाहिए, क्या खाते हो आप कैबेज में? बेटा इन्फ्लोरेसेंस कह मत देना, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे केले का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें भी पत्ते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे होते हैं, तो शायद कैबेज में भी ऐसा ही देखा है, तो ये भी पुष्पक्रम होगा। बिल्कुल गलत जाएगा जिन लोगों ने ए जवाब दिया था। सही जवाब इज बड, ये उसका फूल है भाई, चाहे बंद गोभी हो या फिर फूल गोभी हो, ये उसका फूल ही है, उसका कली था। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, क्वाशियोरकोर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वाशियोरकोर जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन की, प्रोटीन की, वसा की या फिर खनिज की? देखिए क्वाशियोरकोर हो या मरास्मस हो, ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, तो इनमें समय लेना नहीं है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड हिट एंड हाइड वायरस। ऐसा कौन सा वायरस है जो मार के छिप जाने वाला वायरस है, हिट एंड हाइड वायरस है? इट इज आरएसवी वायरस, हिट एंड हाइड वायरस कहला, ए बी सी या डी? संबंधित है हमारे श्वसन नली से संबंधित है, तो हिट एंड हाइड वायरस इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जिसके अंदर कोरोना वायरस की है, कोविड-19 भी है, सार्स कोवी 2 भी है, मर्स वायरस भी है, हमारी जो ट्रिपल म्यूटेंट अभी साउथ अफ्रीकन, ब्राजीलियन और इंग्लैंड स्ट्रेन की वायरस है, वो सब इसी में आते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कैल्शियम की जरूरत पौधे के शरीर में किस हिस्से को बनाने के लिए जरूरी है, कोशिका झिल्ली को, कोशिका भित्ति को, क्लोरोफिल को, या इनमें से कोई नहीं। इज इट सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज इट सेल वॉल, इज इट क्लोरोफिल, या इज नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19? बी फास्ट विथ योर आंसर्स गाइज, 15 सेकंड से सवाल में समय नहीं दिया जाएगा, अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को थोड़ी सी और मजबूत करनी पड़ेगी, है ना, कि एग्जाम है और एग्जाम की तरह लेना है, सही के लिए 4 नंबर, गलत के लिए -1, देन ओनली यू कैन मतलब सी, मतलब आप अगर महीनों ऐसे ही MCQs ऑनलाइन चैनल्स पे कर रहे हैं एंड ओवरऑल आप अपने ग्रोथ को चेक नहीं कर रहे, इसका मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो हर एक दिन आप अपनी ग्रोथ चेक करिए कि आज मैंने ईमानदारी से जब ये 30 सवाल अटेम्प्ट किए तो कितना कर पाया, और किस जगह पे मुझसे गलती हुई, किन जगहों पे मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना है। दैट इज व्हाई यू हिट एंड एंटर अ MCQ सेशन, राइट। चलो, सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने भी भाई डी दिया है उनका जवाब गलत है। इट इज द सेल वॉल, सेल वॉल। मैंने बताया भी था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता ना कि ये अमित कह क्या रहा है अपने सेशन में, तो शायद आप लोग गलती नहीं करते। ध्यान से सुनिए कि एक एक बात मैं क्या बताता हूं। एक बीच में ही थोड़ी देर पहले मैंने सेल वॉल के बारे में पूरी बात बताई, जिसमें प्राइमरी लेयर की मैंने बात की थी, फिर मिडिल लैमेला की बात करी थी और सेकेंडरी वॉल की बात करी थी। उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मिडिल लैमेला कैल्शियम और पेक्टेट के, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। तो भाई वॉल में कैल्शियम होती है इसीलिए वो मजबूत होता है, हड्डियों में कैल्शियम होती है इसीलिए वो मजबूत होता है, दांतों में कैल्शियम और फास्फेट होती है इसीलिए वो मजबूत होता है। इसीलिए कैल्शियम की जरूरत कोशिका भित्ति में होती है इसीलिए वो मजबूत होती है पौधों में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाइस क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। इनमें से वो कौन है जो प्रोटीन का संश्लेषण और अनुवांशिकता को कंट्रोल करता है? इज इट अमाइनो एसिड्स, इज इट जीन्स, डीएनए और आरएनए? देखो, डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, ये तो नाभिकीय अम्ल हैं, लेकिन वो जो अनुवांशिकता को प्रदर्शित करता है, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है विद कैरेक्टर्स, इट इज नथिंग बट जीन्स। तो जीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि अमीनो अम्ल, डीएनए या आरएनए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, लैक इज स्कारलेट रेजिनस सिक्रीशन फ्रॉम। कहता है जो लाख है वो किसका श्रावण है, हर्ब्स का, छोटे पौधों का, ट्रीज यानी बड़े पौधों का, बार्क यानी छाल का, या फिर इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी या डी? 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। बताइएगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21? लैक इज स्कारलेट रेजिनस सिक्रीशन फ्रॉम, हर्ब्स, ट्रीज, बार्क और इंसेक्ट्स, ए बी सी और डी? प्रियंका कनौजिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड द करेक्ट आंसर भैया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। लैक जो होती है, लाख की जो चूड़ियां बनती हैं, वो लैक इंसेक्ट से होती हैं, लैक इंसेक्ट से निकाला जाता है, उससे सिक्रीट होती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। सो वी हैव 2 मिनट्स इन हैंड, 9 सवाल है, रैपिड फायर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन बियर। यहां बियर भालू हो जाएगा, यहां बियर होगा, यहां ना भालू नहीं, कौन निम्नलिखित में से कौन में शराब उत्पादन में भूमिका निभाता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन बियर, ठीक है ना, बियर में अल्कोहल निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुष्क जीवाणु,
विषाणु या फिर खमीर, ईस्ट को क्या कहते हैं हम? खमीर कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सैकारोमाइसिस सेरेविसा, और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जहां खमीर सड़न में इस्तेमाल किया जाता है, बियर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम बार्ली, वहीं इसका इस्तेमाल मैं बता दूं बेकिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस बेकिंग प्रोडक्ट्स। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, इट इज सैकारोमाइसिस, सैकारोमाइसिस सेरेविसा, सैकारोमाइसिस सेरेविसा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेक्स द कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इजी एंड यूज्ड मोर वाइडली। कहता है इनमें से कौन सा आसान बना देता है कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल, और इस ऑपरेशन की प्रचलन इतनी तेज क्यों हो गई? ऐसा क्या है, क्या सहजता है? इज इट कि कॉर्निया आसानी से उपलब्ध है, इज इट कि कॉर्निया रक्त वाहिकाओं के साथ लिंक नहीं करता, या फिर उपरोक्त दोनों कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विथ ब्लड वेसल्स। कॉर्निया जो है वो रक्त वाहिनियों के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज इजी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म, इनमें से अनावृत बीजी कौन है? जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? जिसके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं है, जिसके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं है, इसे ही हम क्रिप्टो ये फैनरोगैम्स भी कहते हैं। मतलब ये पुष्पन तो कर सकते हैं लेकिन इनके बीज के ऊपर आवृत नहीं होती, इनके बीज के ऊपर आवृत नहीं होती। तो क्या वह काजू है, चिलगोजा है, पिस्ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी? क्वेश्चन नंबर 24, भाई अगर हमसे आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, अगर हमने आपसे प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, तो प्लांट किंगडम में जब मैंने क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ाया होगा, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आया होगा, उसके बाद जैसे ही मैं फ्लावरिंग प्लांट्स में आता हूं तो जिम्नोस्पर्म्स में चिलगोजा के बारे में, उसके बाद आपको संजीवनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। सही जवाब इसमें ऑप्शन नंबर बी है, बाकी काजू पिस्ता जिम्नोस्पर्म नहीं है, दे आर एंजियोस्पर्म्स, लेकिन चिलगोजा, चिलगोजा इज अ जिम्नोस्पर्म, ये अनावृत बीजी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ना, बहुत पिक्चर में आपने डायलॉग के रूप में सुना होगा, ओए चिलगोजे, ओए चिलगोजे, लाइक दिस। अगला सवाल, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किसके हिस्से हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज? तो भैया प्रोफेज को पूर्वावस्था कहा जाता है, मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था और टीलोफेज को अंत्यावस्था, और ये सब माइटोसिस के हिस्से हैं। माइटोसिस एक अबनॉर्मल सेल डिवीजन है जिसमें पांच चरण होते हैं, सब चार चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और पूरे सेल डिवीजन को अगर हम देखें तो वो स्टार्ट होता है अंतरावस्था यानी इंटरफेज से और खत्म होता है टीलोफेज पे, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इट इज माइटोसिस और मियोसिस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, एक्टिनोमाइसिटीज आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्टिनोमाइसिटीज किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन के, एंटीहिस्टामिन जो कि हमें एलर्जी से बचाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाते हैं, या फिर एंटीबॉडीज जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज किसका एक अच्छा स्रोत है, ए बी सी या डी? And the correct option goes to option number C, antibiotics. Actinomycetes is a group belonging to fungi family, और ये हमारे antibiotics को अच्छा produce करते हैं। तो सही जवाब option number C है। अगला सवाल, question number 27, efforts of which of the following scientist led the government of India to set up a center for DNA fingerprinting and diagnostics? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिनके कामों को देखते हुए भारत सरकार ने DNA fingerprinting और diagnostic के लिए केंद्र स्थापित किया? क्या वो डॉक्टर लालजी सिंह थे, क्या वो समीर के ब्रह्मचारी थे, प्रोफेसर एम विजयन थे, या फिर कनूरी वेंकट सुब्बा राव थे? ए बी सी या डी बताइएगा। कविता डागर गुड इवनिंग,
What is the correct answer, bhai? Question number 27. And the correct answer goes to option number A, Dr. Lalji Singh. Dr. Lalji Singh ke kamon se khush hoke Bharat Sarkar ne DNA fingerprinting aur diagnostic ke liye kendra bhi banaya hai. Sahi jawab option number A. Agla sawal, question number 28. The gastric acid which is secreted from the stomach effluent. Kehta hai ki amashay puch raha hai ki hamare ahar nal ke kaun se hisse se, kis hisse se amla bahar nikalta hai. To bhai, wo jathar granthiyan hoti hain. जिस जो हमारे अमाशय के ऊपर होती हैं, तो अमाशय की दीवारों पर ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं, अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ये जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करते हैं, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम प्रो एंजाइम्स या एंजाइम्स भी कहते हैं. नाम गैस्ट्रिक अमाइलेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, उसके बाद पेप्सिन है, प्रोरेनिन है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन इसके अलावा एक अम्लीय अम्ल भी निकलता है जिसकी पीएच 1.5 टू 2.5 के बीच है और उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे प्रोटीन और वसा को तोड़ने के लिए जिम्मेदार भी है. सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है. और दो सवाल थोड़ी सी तेजी बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 29. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट. इनमें से कौन एक कार्निवोरस यानी मांसाहारी पौधा नहीं है. देखो, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये दोनों तो भाई कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. कार्निवोरस मांस भी खा लेते हैं. हाथ, इंसान का हाथ भी आ गया इनके हाथ में तो ये चबा जाएंगे. अब बचा वॉटर व्हील और मार्शमेलो. इनमें से कौन है जो मांसाहारी पौधा नहीं है. ए बी सी या डी, बताइए क्या होगा सही जवाब. भाई नॉट पूछा है तो मार्शमेलो इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट, लेकिन वॉटर व्हील प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीनों कीट भक्षी पौधे हैं या मांसाहारी पौधे हैं. दे आर कार्निवोरस प्लांट्स. ठीक है, मार्शमेलो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी. ये मार्शमेलो इज द सही जवाब. और आज का आखिरी सवाल बायोलॉजी की तरफ से. विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस. इनमें से कौन विषाणु द्वारा होता है. मम्स, बेरीबेरी, ट्यूबरक्यूलोसिस या डिसेंट्री. भैया बेरीबेरी विटामिन की कमी से होती है, ये विटामिन की कमी से होती है. ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करूं तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, टीबी जो है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के वजह से होता है. एंड दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इसमें ट्यूबरक्यूलिन नामक एक जहर छोड़ देता है वो. और डिसेंट्री की बात करूं तो डिसेंट्री यानी जिसमें इंसान को लूज मोशन होने लगता है, इट इज कॉज्ड बाय शिगेला डिसेंट्रिया. इसे लोग आम शब्द में पेचिस भी कह देते हैं. ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है. ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है. तो इसमें बचा क्या, मम्स. मम्स जिसे हम इनफेक्शियस पैरोटाइटिस भी कहते हैं, इनफेक्शियस पैरोटाइटिस भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे गलसुआ भी कहते हैं, ये हो जाता है एक वायरस की वजह से जो हमारे कर्णपूर्ण ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करके सुजा देता है, जिससे भारी पेन का सामना करना पड़ता है. तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मम्स इज अ वायरल डिजीज. तो ये थे 30 क्वेश्चन. कल फिर मुलाकात होगी ठीक 11 बजे. मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा. कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए. थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अड्डा 24/7. कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे बायोलॉजी के एमसीक्यू के साथ. लेकिन अभी 30 सवाल अगर फिजिक्स का करना है तो थोड़ी ही देर में एसएससी अड्डा पे मिलते हैं फिजिक्स के 30 एमसीक्यू के साथ. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय गाइस, टेक केयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अड्डा 24/7 चैनल. Also download Adda 24/7 app.